शरद यादव लालू से मिलने रिम्स पहुंचे और मिलने के बाद पत्रकारों को बताया कि मंदिर मस्जिद की राजनीति अब नहीं चलेगी। जी, और इतना ही है, थोड़ी बहुत जो बात होती है राजनीति जी, बाकी तो स्वास्थ्य के लिए ज्यादा। सर थोड़ी बहुत बात क्या हुई राजनीति, घूमने के स्थान पे थोड़ा वो सारा गठबंधन की बात हो रही है सब जगह देश भर में जी, देश भर में भी बातचीत कर रहे हैं और बिहार के मामले में लालू जी से बात करना जरूरी है, तो देश के मामले में ज्यादा हमारी बात हुई। क्या हुई सर देश की राजनीति, यानी जो हालात है देश के, उसमें जो सरकार है एनडीए की, मोदी और अमित शाह की, तो इस सरकार के रहते देश की बेकारी, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, यानी ऐसी तबाही के दौर में देश है, इन्हीं सवालों को पीछे किया जा रहा है। और जो आंतरिक सुरक्षा है वो पहली जरूरत है, वो भी बाहर का आतंकवाद से लड़ाई जितनी जरूरी है उतना आंतरिक सुरक्षा भी, जो पुलवामा में जो लैप्सेस हुए हैं, एक तरह से जो एक्सप्लोसिव कहाँ से आया, इंटेलिजेंस जो है वो देश का है, आपका राज्य सरकार आपका फौज का इंटेलिजेंस घुस गया है, जितना इंटेलिजेंस जम्मू कश्मीर में है उतना कहीं देश में नहीं। अरे देखो ना, हमको दबा रहा है सब, जो आंतरिक सुरक्षा के चलते जो लैप्स हुआ है और 24 लोगों की शहादत हुई है, वो आंतरिक सुरक्षा मजबूत होना चाहिए, इस पर इस देश में बहस नहीं हो रही। बाकी आतंकवाद से लड़ाई आज की नहीं है, वर्षों से हमारा देश लड़ रहा है। सर जी, माना जा रहा है कि मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है एयर स्ट्राइक के बाद, ये सवाल जो आप कर रहे हो, समय आने दीजिए इस सरकार को और सरकार के सारे काम, चाहे मॉब लिंचिंग हो, गाय के नाम पर हो, और जो वादे हैं, एक भी 42 वादे इनने किए थे, एक वादा भी आज तक इस सरकार ने पूरा नहीं किया। फौज के आड़, फौज तो जो है वो स्टेट की है, उसके पीछे छुप करके राजनीति हो सकती है, वो आज नहीं तो कल देश को समझाने का काम हम लोग कर देंगे। एक दौर नहीं देखा हमने, कई दौर देखे हैं। ये सोचते हैं कि फौज के पीछे छुप जाओ, मंदिर मस्जिद के पीछे छुप जाओ, तो मंदिर मस्जिद हो और चाहे देश का संविधान हो, सरकारें आती और जाती हैं, फौज के पीछे जाकर के जो राजनीति करते हैं वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो सरकार हो और चाहे वो अपोजिशन का हो। बिहार के बारे में गोलबंदी गठबंधन की पूरी तरह से मुकबिल होगी, और देश में सबसे ज्यादा भी कहीं जो विरोध अपोजिशन है उसको जो ताकत कहीं मिलेगी तो वो बिहार में मिलेगी और उत्तर प्रदेश में मिलेगी। वहाँ गठबंधन का रूप कब तक स्पष्ट हो जाएगा सर, चुनाव का भी तारीख है, और जब हो जाएगा तो आपको सूचित कर दिया। 40 में महागठबंधन कितने सीट, 40 पर ही महागठबंधन जीतने का सर, कितने जीतने का कितना दावा है, ये मैं वादे दावे इस तरह के फालतू नहीं करता, लेकिन एक बात जान लीजिए कि देश में सबसे ज्यादा 2/3 बहुमत से बिहार ने पहले ही महागठबंधन को जिताया है, यानी देश बहुत पीछे चलता है। बिहार और बिहार का मामला है या उत्तर प्रदेश और झारखंड जिसमें खड़े हैं, ये देश से आगे चलता है। सर ये प्रशांत को नेता मानेंगे, जाने से पहले नीतीश कुमार को जनता के बीच जाना चाहिए था, जनादेश लेना चाहिए था, ये बात तो उन्होंने 100% ही कही है। ये हम जो खड़े हुए हैं वो इसलिए खड़े हुए हैं कि 11 करोड़ मतदाता कमर ने 2/3 बहुमत से आपको आइडिया महागठबंधन को मैंडेट दिया था, जनादेश दिया था, बस ठीक है। उसमें आरजेडी और आपके
कांग्रेस को गर्दन देकर के बाहर कर दिया। देश बिहार की जनता ने 11 करोड़ लोगों ने मैंडेट किसको दिया था? महागठबंधन को। और जो बीजेपी है उसको विरोध में बैठने को कहा था, तो विरोधी के साथ गले मिलाना है। तो लोकतंत्र में इससे बड़ा यानी एक बार भजनलाल ने किया था और एक बार यहाँ हुआ है। तो प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं वो यदि ये किए होते तो मैं उनके साथ होगा। राहुल गांधी को नेता मानते हैं? वो सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस बीजेपी के बाद लार्जेस्ट पार्टी है। तो जो आपका सवाल है वो इतिहास में लिखा हुआ है, आज कांग्रेस पार्टी सेकंड लार्जेस्ट है। तो आप जो है पीछे से बार बार जो पूछ रहे हो तो जरा सामने आओ। एयर स्ट्राइक का जो सबूत मांगा जा रहा है उससे आप कितना सहमत? देखिए मैंने कहा ना कि फौज के मामले में मैं ज्यादा बयान नहीं करता। फौज सबकी है, देश की है, और जो भी सच होता है वो कभी छुपता नहीं है, सामने आएगा। सर ये बार बार आप आ रहे हैं लालू जी के पास, लोकतांत्रिक जनता? मैं बार बार नहीं आया, बहुत दिनों बाद आया। लोकतांत्रिक जनता को कितनी सीटें सर बिहार में मिलने की संभावना? देखिए ताकत को किसी की संख्या बताना ये अभी सब चीज बातचीत चल रही है, उसके पहले गैर बातचीत बात। ताकत बता दीजिए ना सर। नहीं, मैंने आपसे निवेदन किया कि आपके जितने सवाल थे उनका वाजिब जवाब मैंने दे दिया है। दोनों पार्टियां मिल जाए और ताकत बढ़ जाए, आप लालटेन से लड़े। आप जो है वो जो पूछ रहे हो कि बिहार के वो कौन क्या कह रहा है, ये गठबंधन बनेगा तो सारा सच सामने आएगा। एक, मैं ज्यादा व्यस्त रहता हूँ, देश भर की पार्टियां जो है उनके लिए साझा विरासत यानी सेव कंपोजिट कल्चर, संविधान बचाओ, ये यहाँ दिल्ली में हुआ है, मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, रांची में कब हुआ है, और रांची में भी जल्दी कभी आपको अनाउंस हो जाएगा, आपके बम्बई में हुआ है। तो जो अपोजिशन की गोलबंदी है उसको पहले भी हम करते थे जिससे कांग्रेस बीजेपी बैठ गई है, नीचे की है ना, आज भी वो काम करते हैं। बाकी जो आप पूछ रहे हो बिहार के बाबत, वो बाबत अभी कोई चीज का फैसला नहीं है, फैसले के पहले